सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे नकुल दुबे जी, अब कांग्रेस में ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बधाई आपने कांग्रेस ज्वाइन की, बहुत बहुत क्या कहेंगे, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई, कांग्रेस में आना पड़ गया आपको? देखिए, जहाँ तक आवश्यकता का सवाल है, इस प्रदेश को और इस देश को जन जन की आवश्यकता है, एक एक नागरिक की आवश्यकता है कि सब लोग एकत्रित होकर के इस प्रदेश की अस्मिता के लिए, इस प्रदेश के अस्तित्व के लिए, जनमानस के मान सम्मान के लिए, जनमानस के स्वाभिमान के लिए, मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्तियों की इज्जत के लिए सब लोग इकट्ठे हों और बहुतायत में सब लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके इस प्रदेश और इस देश की रक्षा करें। 2022 का जो रिजल्ट रहा वो कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं भविष्य? देखिए, बार बार मैंने एक बात कही है, देखिए चुनाव के परिणामों से कभी भी समय का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव के समय में तमाम तरह की चीज़ें हुई होंगी जिसका कि परिणाम हुआ कि उनकी काट की हांडी एक बार फिर से चढ़ गई। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में सब लोग व्यथित हैं। इवन अभी जो है एक महीना हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी सरकार को, लेकिन सब लोगों के मन में यही है कि अब की बार 2000 जो आपका 24 का युद्ध आ रहा है, इस 2000 के 24 के युद्ध में हम लोगों को अपना संकल्प दोहराते हुए इस देश को पुनः एक बार आज़ादी दिलाने कार्य करना है। क्या उम्मीद जता रहे हैं 2024 में क्या रिजल्ट रहेगा कांग्रेस का, कैसी तस्वीरें रहेंगी? 2024 में संपूर्ण देश एक तरफ और देश विरोधी एक तरफ। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशों में एक बहुत शानदार प्रदर्शन करके आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में पुनः सरकार बनाने का कार्य किया। सर पार्टी की बात करें, चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें, सड़क से लेकर संगठन तक जो है कांग्रेस काफी कमजोर दिखाई देती है, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे मजबूती मिलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी न तो कभी कमजोर थी, न है और न आगे होगी। इवेंट मैनेजमेंट है, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत दिन ज़्यादा चलता उलता नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट को भी किनारे आना पड़ेगा। जो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में कांग्रेस वास आज भी कर रही है और उसका परिणाम सामने देखेंगे। भाजपा कह रही है 2024 में जो आंकड़े होंगे बहुत चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट, उनके जो आंकड़े हैं वो सब धरे रह जाएंगे। आपका एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, लेकिन अब नहीं चढ़ने वाली है। अब प्रदेश की जनता देख चुकी है, देश की जनता देख चुकी है, आप भी इसके साक्षी होंगे। BSP में आखिर क्या रहा, पहले निष्कासित भी आपको कर दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने, हमारे मुखिया ने, BSP की मुखिया ने निर्णय लिया और वो उस निर्णय का मैंने स्वागत किया, लेकिन मुझे भी मौका मिल गया काम करने का और मैं काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी का, और इससे बढ़िया समुद्र और इससे बढ़िया कोई मंच कहीं मिलेगा नहीं। आखिरी सवाल है, विधानसभा सत्र चल रहा है, आपने तस्वीरें देखी होंगी, डिप्टी सीएम विपक्ष के नेता के भी तू मैं दिखाई दी, ये तस्वीरें क्या कह रही? देखिए, कोई किसी से कम नहीं है। उनका कहना है कि उत्तेजित होने का, तवाने का, गुस्साने का सारा अधिकार मेरे पास वो है, मेरी मोनोपोली है। आपको ठंडा कर दिया जाएगा, आपको बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपको ठोक दिया जाएगा, ये सब आप बर्दाश्त करते रहिए। अगर आप तरह से उसे उलट हुए तो फिर आप वो हो जाते हैं, साथ नहीं जाते। सर क्या जिम्मेदारी मिल रही कांग्रेस में आपको? अब ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, कांग्रेस पार्टी के मुखिया से पूछिए, हम तैयार हैं। तो बिल्कुल, ये नकुल दुबे हैं जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पे ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस जो है बेहतर करने जा रही है। जो भाजपा जो है तमाम जो है दावे कर रही है वो पूरी तरह से फेल साबित होंगे और सड़क से लेके संगठन तक जो है पार्टी को मजबूत करने काम जो है वो खुद जो है नकुल दुबे करेंगे। कैमरा पर्सन अभी साथ अनुपमा भारत समाचार लखनऊ।